Hey guys, welcome to the Paathshala. In today's class, we're gonna learn a new topic known as inversion. This is a very small topic of English grammar and very important topic of English grammar. Har saal isse ek ya do question aapke tier 1 se leke tier 2 mein aa jaate hain. So just raise a question in your mind. What is an inversion? And second question, what new thing we gonna learn from this chapter? अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन अपने दिमाग में आप फ्रेम करेंगे तो इसका जवाब ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर पे और बहुत आसानी से इसे सीख जाएंगे. तो इस चैप्टर को सीखने के लिए सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं. सबसे सिंपल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है. नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें हम सीधे सीधे तो हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेके आते हैं. तो हम ये एक केस जानते हैं जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, और ये सिर्फ एक केस नहीं है जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है. इसके अलावा कई और केसेस होते हैं जब वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीजें इधर पे जुड़ी हुई होती है, तो ये जो फॉर्म है यही होता है किसी सेंटेंस का इन्वर्जन फॉर्म. इन्वर्जन मतलब आप जो उसका सिंपल स्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसको बदल देना, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना. तो आपका जो वर्ब होता है या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है या तो आपका मेन वर्ब हो सकता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्जन किस तरीके का है. इन्वर्जन दो तरीके का हो सकता है. एक तो आपका क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आप पहले ला रहे हो फिर आप सब्जेक्ट ले आ रहे हो, और दूसरा क्या है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब ले आ रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट ले आ रहे हो और फिर बाकी सेंटेंस का पार्ट आगे है. तो ये दो टाइप के इन्वर्जन फॉर्म आप देख सकते हो और इस चैप्टर में बस यही सीखना है. तो इन्वर्जन सिर्फ इतना ही है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आया तो फॉर्म इन्वर्जन है. अब आपको क्या इस चैप्टर में नया सीखने को मिलेगा, ये सीखने को मिलेगा कि वो कौन कौन से केसेस हैं और कितने केसेस हैं जिसमें हम इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. एक सबसे सिंपल जो हम जानते हैं जो स्ट्रक्चर, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है. तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम बहुत समय से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले लेते हैं. डब्ल्यू एच फैमिली आती है तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड होता है विच वॉट वाई जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है वो हम पहले रखते हैं. हमें अदर केसेस देखने हैं, पहले तो हम इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कब हमारा मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया है, कब ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया है. जैसे हम ये कहें हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस. अब यहां पे क्या है ना, आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है बस, और ये जो कम्स है ये आपका है वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में आपने देखा है, इस सेंटेंस में आपका जो है वर्ब पहले यूज हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है. हियर कम्स द बस और हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द कार, इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है इन्वर्जन फॉर्म का. और अगर एक और सेंटेंस लू ताकि ऑक्सिलरी वाला फॉर्मेट आप समझ पाओ, तो नेवर डिड आई गो देयर, नेवर डिड आई Go there. ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए. Never did I go there. Did यूज किया है I से पहले, ये आपका सब्जेक्ट है और did आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. तो ये आपका इन्वर्जन फॉर्म है. कौन सा इन्वर्जन फॉर्म है, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले यूज कर रहे हो, यहाँ पे मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज कर रहे हो. अब कौन कौन से केसेस होते हैं वो हमें देखना है. आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ाया था, इमेजिनरी पोजिशंस उसमें पढ़ाई हुई है. तो सबसे पहले इमेजिनरी पोजिशन कंसिडर करते हैं. इमेजिनरी पोजिशन आपको याद होगा जिसमें हम हमेशा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का. ये तो याद ही होगा आप सभी लोगों को, अगर कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस अगर आपने पढ़ रखा है. इस चीज को हमने अपने इंग्लिश ग्रामर में 2-3 बार रिपीट कर रखा हुआ है. तो एक सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई वर ए बर्ड, ये सबसे वो कॉमन एग्जाम्पल है. इफ आई वर ए बर्ड,
I would fly. ये एक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ते हैं. अब इसमें आप बोलोगे कि सर कहां पे इन्वर्जन फॉर्म यूज किया गया है, यहां पे इन्वर्जन फॉर्म यूज नहीं किया गया है. इन्वर्जन फॉर्म कब यूज किया जाता है, जब हमको इफ यूज ना करना हो. अगर हम यहां से इफ हटाना चाहें और इमेजिनरी सेंटेंस को लिखना चाहें तो हम यूज करेंगे वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई. आप वर को क्या करो, पहले ला दो, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई. ये इन्वर्जन फॉर्म है. यहां पे आपने क्या किया, इफ को हटाने के लिए वर्ब का इस्तेमाल किया. तो ध्यान रखिए कि जो आपका इमेजिनरी पोजीशन होता है, इमेजिनरी सेंटेंसेस होता है जिसमें हम वर्ब यूज करते हैं इफ के साथ, तो वहां पे अगर हमें इफ यूज ना करना हो तो सेंटेंस को सही फॉर्मेट में रखने के लिए हम इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. एक केस ये हो गया, केस नंबर वन हो गया जिसको आपको याद रखना है. फिर कंडीशनल सेंटेंस और होता है जिसमें पास्ट कंडीशनल की बात करें. किसके, पास्ट कंडीशनल की. अगर पास्ट कंडीशनल की बात करें तो एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. अब अगर यहां पे हमें इफ हटाना है, सेम बात है जैसे कि हम इमेजिनरी पोजिशन पे बात कर रहे थे, और सेम बात यहां पे है कि अगर हमें इफ हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैड है हमारा हैड को पहले लाना पड़ेगा. तो हम इफ को रिप्लेस करते हैं. अगर हम सेम सेंटेंस को ऐसे लिख दे, हैड आई सीन यू, क्या हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. तो इस तरीके से आप इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस में और किसमें, इमेजिनरी पोजीशन वाले सेंटेंसेस में. आप हैड की जगह शुड और वर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ये जो हैड है इसकी जगह शुड से भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो और वर से भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. तो ये आपका जो है केसेस है, कहां पे कंडीशनल सेंटेंस के केसेस है, और ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आते हैं. तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप इफ हटाते हो तो इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हो. सेंटेंस में कोई अदर चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ इफ को हटाया गया है और जो आपका वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले हम लेके आए हैं. जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहा है ऊपर वर और नीचे हेड, दोनों को हम सब्जेक्ट के पहले लेके आए हैं. इसी तरीके से बात करें कि अगर हमें शॉर्ट आंसर्स देना हो, शॉर्ट आंसर्स देना हो, क्या देना हो, केस नंबर अगर थर्ड की बात करें, अगर हमें शॉर्ट आंसर देना हो तब भी हम इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल. आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल. अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, अब दूसरे किसी ने बोला नाइदर डू आई, नाइदर डू आई. अब यहां पे देख रहे हैं डू पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है सेकेंड पार्ट में. ये आप शॉर्ट रूप में जवाब दे रहे हो. तो जब आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है तो आप क्या करते हो, अगर लेंदी आंसर लिखना होता है तो आप इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर देना हो तो आप इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हो. अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि सो एम आई, इस तरीके से भी आता है सो एम आई. तो जब भी याद रखिएगा कि आपको छोटा जवाब देना हो तो आप इन्वर्जन फॉर्म यूज करते हो. जैसे हम इसको बोले आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड मैंने बोला, फिर आगे लगा दिया सो एम आई. तो इस तरीके से जो है ये बनाया जाता है.